हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड काफ़ी वीडियो लेके आता हूँ, तो इसी के तहत आज हम बात करेंगे नेलकास्ट के बारे में। तो नेलकास्ट है वो एक जॉबिंग फाउंड्री है इंडिया के अंदर, और अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो डक्टाइल एंड ग्रे आयरन कास्टिंग जो है इसी का मैन्युफैक्चरिंग है। फ्रेंड्स, ये नेलकास्ट पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वो एंड स्क्रीन में दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। और अभी इसका जो है CMP चेक करें मनी कंट्रोल पर, और फिर टारगेट की बात करेंगे। चलते हैं मनी कंट्रोल पर, देखते हैं क्या प्राइस चल रहा है। फ्रेंड्स, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नेलकास्ट 88.65 पे क्लोजिंग है इसका, 4 अगस्त का आज का ही है ये। अगर डे लो आई की बात करें तो 87.65 लो है और 94.20 आई है। वहीं अगर 52 वीक लो आई की बात करें 48.40 लो है और 100.35 आई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मनी कंट्रोल पे EPS PE रेशियो ये भी चेक कर सकते हैं, उसके बाद में स्ट्रेंथ वीकनेस और फाइनेंशियल डाटा और टेक्निकल चार्ट वगैरह ये सब आप मनी कंट्रोल पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब अभी एनालिसिस करके और इसके टारगेट की बात करेंगे, तो देखते हैं क्या टारगेट रहने वाला है। फ्रेंड्स, जैसे फाइनेंशियल डाटा में ये मार्च क्वार्टर का इसका रिजल्ट है, देख सकते हैं नेट सेल है 220 करोड़ है, जो कि मार्च 2020 में 125 करोड़ था। तो यानी ऑलमोस्ट जो है 80% के आसपास इसमें जो है इम्प्रूव हुआ है नेट सेल में। इसे मूविंग एवरेज में आप जैसे देख सकते हो 50 डेज मूविंग एवरेज और 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है, तो उससे अभी जो है ऊपर चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके टेक्निकल चार्ट और ये पैटर्न देख के अभी एनालिसिस करेंगे कि इसका जो टारगेट है वो क्या रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये नेलकास्ट पे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तब ये 74 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद इसने 100.35 का जो है ये 52 वीक न्यू हाई बनाया था। इसका अगर टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद हम जो टारगेट पे पहुँचते हैं, तो आने वाले 15 से 20 दिन में ये 110 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पेशेंस रखना है, पेशेंस है तो प्रॉफिट है, जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूं। तो फ्रेंड्स, ऐसी मैं काफ़ी वीडियो लेके आता हूं और ऑलमोस्ट जो है टारगेट रीच भी होते हैं। फ्रेंड्स, ये महेश्वरी लॉजिस्टिक आज का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 140.40 का डे हाई बनाया था। इसका मैंने एक वीडियो बनाया था, तभी 102 रुपये के आसपास था, और फिर 118.20 के आसपास फिर मैंने एक वीडियो बनाया था, और मैंने जो टारगेट है 130 प्लस का दिया था, और ऑलमोस्ट जो है अचीव भी हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये पेशेंस का ही खेल है। अगर शेयर मार्केट से प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस है तो प्रॉफिट है, ये हर वीडियो में वो बोलता हूँ, तो आपको इसको जो है थोड़ा फॉलो भी करना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।